friends, welcome back to my channel. So we are back with another video of silicones and phosphazines, and in this video we will discuss about the silicone applications. So here first topic is silicone fluids or oils. So what are these? These are usually low molecular weight linear polysiloxanes and having 50 to 200 units, right? So these are prepared by treating a mixture of tetracis cyclodimethyl siloxane. So here we have the tetracis, four silicon atoms having dimethyl siloxane, right? And second is the hexamethyl disiloxane. So it is a hexamethyl disiloxane with a small quantity of 100% sulfuric acid. So if we mix all these three things, we will get a silicon oil. So this is a formula of the silicon oil. So you have to note kar lijiye that इस तरीके से हम सिलिकॉन को कमर्शियल वे पे प्रिपेयर करेंगे इनके ऑयल्स को, राइट? सो इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, द साइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, चेन बिल्डिंग यूनिट्स, और जो हेक्सामिथाइल सिलोक्सीन है वो हमें चेन स्टॉपिंग ग्रुप्स प्रोवाइड करेगा, राइट? एवरेज चेन लेंथ जो होगी दैट इज डिटरमिंड बाय द रेशियो ऑफ चेन बिल्डिंग एंड चेन एंडिंग ग्रुप्स. जो चेन बिल्डिंग ग्रुप्स हैं और चेन एंडिंग ग्रुप्स हैं, इनकी जो रेशियो होगी दैट गिव्स अस एवरेज लेंथ ऑफ द सिलिकॉन फ्लूइड. अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट स्प्लिट सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स, दिस फॉर्म्स द एस्टर्स एंड सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड. यहाँ पर ये SiOH बॉन्ड भी बनाएगा और SiOSO4H एस्टर बॉन्ड भी बनाएगा, एंड दीज एस्टर्स हाइड्रोलाइज बैक टू गिव सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स. सो ये हाइड्रोलाइज इनकी बैक होगी तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड बनाएंगे, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक हमारे पास लंबी लंबी न्यू चेन्स नहीं आ जाती, राइट? एंड यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद चेन लेंथ. जितनी बड़ी चेन लेंथ उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी रहेगी. एंड दीज आर इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक मटीरियल. सो ये इनर्ट है और नॉन टॉक्सिक है, सो इससे भी करके इनकी लो सरफेस टेंशन रहेगी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज यूजेस. सो दीज आर यूजेस वाटर रिपेलेंट्स, राइट? एंड डायलैक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटीरियल्स की तरह यूज करेंगे, इन कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मिंग फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक ऑयल्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स फॉर लिक्विड स्प्रिंग्स, राइट? एंड देन हीट ट्रांसफर मीडिया की तरह यूज करेंगे इन हीट बेल्ट्स. अब ये कार में भी यूज होंगे, सन टैन लोशन की तरह यूज कर सकते हैं, लिपस्टिक, शैम्पू और कॉस्मेटिक्स में भी यूज करेंगे. एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स और हाइड्रोफोबिक एजेंट्स की तरह यूज करेंगे इन सीवेज डिस्पोजल, टेक्सटाइल डाइंग और बियर मेकिंग में, राइट? And their complete inertness and non-toxicity allows them to be used in cooking oils. अब ये toxic नहीं है तो ये cooking oils और fruit juices में भी use हो सकते हैं. So this was all about the silicone oils. Next we will discuss about the silicone elastomers or the rubbers. So ये क्या है? These are long chain polymers having 6,000 to 6 lakh silicone units. So इसके पास बहुत ज़्यादा units होते हैं, long है. And these are mixed with inorganic filler. Usually finely divided silicon dioxide or graphite. So इसमें inorganic filler भी होता है, ठीक है, जो कि मतलब इनकी extensive property के लिए जरूरी है, right? And these are usually produced by the equilibration of cyclic siloxanes. So हमने equilibration जो last video में पढ़ा है उससे हम silicon elastomers या rubbers बना सकते हैं. And after that we will follow the hydrolysis with KOH. So इसकी hydrolysis करेंगे उसके बाद, so we'll get a rubber. And the filler is added. Filler क्यों add कर रहे हैं? So as to obtain the required reinforcement. So कि इनका जो है इनकी property maintain रहे. This is chemically inert and has some reinforcing properties because some bonding takes place between siloxane and silica. So यहाँ पर देखो silica जो है silicon dioxide और siloxane जो है हमारा जिसकी equilibration करते हैं, right? So इन दोनों में अगर bonding हो जाती है तो this gives us reinforcing properties. Reinforcing property depend किस पर करी है? On the size, structure and surface properties of the silicones, siloxanes and the filler. So इन दोनों पर ये depend कर रही है. अब जो polymerization होगी इनकी that can be acid catalyzed, but जब KOH के साथ polymerization करेंगे that produces rubber with superior physical properties. So acid के साथ भी कर सकते हैं, but KOH वाली जो polymerization होगी उसमें हमारे पास superior properties मिलेंगी हमें. So इनकी वही properties जो है, the silicon rubber make up to 30% of the silicon produced. जो silicon oil थे that were 60% of the total silicon produced in the nature. और जो ये silicon rubber है that constitutes 30% of the silicon produced. And ये सिलिकॉन रबर्स को हम वल्केनाइजिंग करते हैं ताकि हमारे पास जो है एक रबर बन जाए.
अब वल्केनाइजेशन होता क्या है, इन विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट चेन्स बाय क्रॉस लिंकिंग रिएक्शंस. क्रॉस लिंकिंग रिएक्शंस यूज करके हम वल्केनाइजेशन करते हैं, जिसमें कि हमारे पास बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट. अब वल्केनाइजेशन होती कैसे, मैकेनिज्म क्रॉस लिंकिंग का कैसे है, लाइक बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं, हमें पता है बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H5COO then COO C6H5, right? So इसमें हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे, ठीक है. अब यहाँ पर जो है बेंजोइल फ्री रेडिकल बनाए हमारे पास, दिस इज अ बेंजोइल फ्री रेडिकल. बेंजोइल फ्री रेडिकल विल एक्ट अपॉन दी सिलोक्सिन, ठीक है, ये सिलोक्सिन पर एक्ट करेगा, राइट. सो ये इन दोनों की रिएक्शन होगी एंड इट विल गिव राइज टू अवर बेंजोइक एसिड एंड अवर सिलोक्सिन, राइट, मिथाइल सिलोक्सिन. अब ये दोनों बेंजोइक एसिड और सिलोक्सिन एक्ट करके इकट्ठे क्या बनाते हैं, अ क्रॉस लिंकिंग प्रोडक्ट. सो यहाँ पर एक क्रॉस लिंक प्रोडक्ट बन जाता है जिससे कि हम कहते हैं सिलिकॉन रबर. सो इस तरीके से हमारे पास रबर बनती है. अब क्रॉस लिंकिंग जो है इन सिलिकॉन रबर्स कंटेनिंग एसिटॉक्सिक ग्रुप कैन बी अचीव्ड एट रूम टेम्परेचर बाय एक्सपोजर टू मॉइस्चर. अब एसिटॉक्सिक ग्रुप जिनके पास होंगे लाइक दिस CH3COO ट्वाइस वाले जो ग्रुप्स हैं, दैट इज एसिटॉक्सिक ग्रुप, इनकी हाइड्रोलिसिस करके हम इनसे जो है क्रॉस लिंकिंग बना सकते हैं. अब ये हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट हो गया, अब इसकी जो है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी एंड इट विल गिव द क्रॉस लिंक प्रोडक्ट. तो इस तरीके से हमारे पास क्रॉस लिंक प्रोडक्ट आ गया. सो ये बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर, इसमें सिलिकॉन के चार ग्रुप्स हैं एंड मिथाइल ग्रुप इज एडेड. सो ये इस तरीके से हमारे पास ये क्रॉस लिंक प्रोडक्ट है. सो इसे इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है एंड द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब टाइप्स ऑफ इलास्टोमर्स देखेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ इलास्टोमर्स है हमारे पास. पहले थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टोमर्स आर देयर. फर्स्ट इज अ रूम टेम्परेचर वल्केनाइजिंग इलास्टोमर, RTV. सेकंड इज लिक्विड रबर. देन द थर्ड इज हीट टेम्परेचर वल्केनाइजिंग इलास्टोमर, इसे हम हीट क्योरिंग इलास्टोमर्स भी कहते हैं. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टोमर्स. अब देखते हैं यूजेस. अब सिलिकॉन इलास्टोमर्स के बहुत सारे यूजेस हैं. पहला, रूम टेम्परेचर सिलिकॉन जो है दे हैव गुड एडहेसिव प्रॉपर्टी, लाइक ग्लू लाइक प्रॉपर्टीज हैं इनकी. एडहेसिव्स इन कार्स, बिल्डिंग्स एंड इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी यूज होंगे एज एडहेसिव्स. एंड आर यूज सीलेंट्स, सील करने के लिए भी एडहेसिव है, तो सील करने के लिए यूज होगा फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, राइट. सो ये प्लग्स वगैरह को सील करने के लिए भी यूज होंगे. सेकेंड जो हमारे पास है दैट आर लिक्विड रबर्स, दे आर डिवेलप्ड पर्टिकुलरली फॉर थिक, क्विक, ऑटोमेटेड एंड चीप प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि हाई नंबर ऑफ रबर पीसेस लगेंगे. तो इसमें हमारे पास जैसे वल्केनाइजेशन इसकी हो जाती है बहुत जल्दी, एट 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस विद इन सेकेंड्स हो जाती है. और कीबोर्ड जो है सिलिकॉन रबर्स के, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फोन्स, ठीक है. तो फोन्स में सारे लिक्विड रबर्स हैं, सिलिकॉन रबर्स हैं. एंड थर्ड इज HTV सिलिकॉन रबर्स जो है हमारे पास. HTV की फॉर्म क्या थी, हाई टेम्परेचर वल्केनाइजिंग इलास्टोमर्स जो थे, दे आर यूज एज ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग्स. तो ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती हैं जो फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, जैसे कैप्सूल बनाने के लिए यूज होती हैं. सो इन द फैब्रिकेशन ऑफ हार्ट वेव ऑल्सो दे आर यूज फॉर मेकिंग एक्यूरेट मोल्ड ऑल्सो एंड टू गिव रैपिड एंड फ्लेक्सीबल इंप्रेशन फॉर डेंचर्स एंड इनरेज. सो ये इस तरीके से यूज होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द सिलिकॉन रेजिन्स. अब ये देखो, ये सारा प्रॉपर्टी थ्योरी बेस्ड है. सो ये अच्छे से इसको थ्योरी में अच्छे से रीड करिए एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड मैं आपको जरूर कहूंगा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. और आपको उस वीडियो की जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए, सो सब्सक्राइब टू अ चैनल, तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगी और पहले आइकन को जरूर दबाइएगा. सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सिलिकॉन रेजिन्स के बारे में. दीज आर सॉल्वेंट सॉल्यूशंस ऑफ ब्रांच चेन सिलोक्सिन्स. सो इनके पास रेजिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी होते हैं एंड ये अप्लाई कैसे करेंगे, एज पेंट्स, ठीक है. सो इनको पेंट्स की तरह अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिकल वार्निशेस, जिसमें सॉल्वेंट इवेपोरेट कर देंगे और जो रेजिन होगा उसे हीट करके हम बनाएंगे क्योर्ड रेजिनस फिल्म, राइट. सो इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बाय हाइड्रोलाइजिंग और मिक्सचर ऑफ फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन एंड फिनाइल डाइक्लोरोसिलेन. एक फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन लेंगे और फिनाइल डाइक्लोरोसिलेन लेंगे, उनको हीट करेंगे इन क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट टू गिव क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर जैसे हमारे मैंने फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन लिया, फिर फिनाइल डाइक्लोरोसिलेन लिया. अब इसमें हम अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में इसका क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर आएगा. सो ये तो हमारे पास हो गया एक हमारा
लिंक स्ट्रक्चर, राइट, लीनियर स्ट्रक्चर. उसी क्रॉस लिंक करवाने के लिए हम इसमें क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट डालेंगे एज अ कैटलिस्ट, सो वी विल गेट अ क्रॉस लिंक रेजिन. सो इस तरीके से हमारे पास सिलिकॉन रेजिन बन जाएंगे. अब इसके यूजेस क्या हैं, जैसे इट इज़ यूज इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी एंड जनरली मिक्स विद ग्लास फाइबर्स. तो ग्लास फाइबर्स के साथ मिक्स कर देंगे फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ. एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एज लेमिनेट्स फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स. सो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के लेमिनेशन के लिए भी हम यूज करेंगे. एंड द थर्ड इज दैट एज नॉन स्टिक कोटिंग्स भी हम इसे यूज करेंगे फॉर कुकिंग वेयर एंड इंडस्ट्रियल कार टायर मोड्स के लिए भी हम सिलोक्सेंस को भी यूज करते होते हैं, सिलिकॉन रेजिन्स, राइट. लास्ट इज पॉलीसिलोक्सेन को पॉलीमर्स. पॉलीसिलोक्सेन को पॉलीमर्स क्या होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसिलोक्सेन विद ऑर्गेनिक पॉलीमर. सो इसे कहते हैं हम पॉलीसिलोक्सेन को पॉलीमर. अब इनकी टाइप्स क्या है, दैट दी ब्लॉक पॉलीमर्स. ब्लॉक पॉलीमर्स कौन से होते हैं जिसमें सिलिकॉन यूनिट्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. जैसे एक सिलोक्सेन, फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर, फिर सिलोक्सेन, फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर, दैट आर ब्लॉक पॉलीमर्स. सेकेंड इज क्राफ्ट पॉलीमर्स, जिसमें कंटिन्यूस पॉलीसिलोक्सेन चेंज होती है, जो कि या तो कनेक्टेड होगी या फिर सब्सटीट्यूट होगी बाय ऑर्गेनिक पॉलीमर ब्लॉक्स. सो इसमें भी जैसे सिलोक्सेन है उसके साथ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सब्सटीट्यूटेड है, सो दिस इज अवर क्राफ्ट पॉलीमर. सो इस तरीके से हमारे पास पॉलीसिलोक्सेन को पॉलीमर्स होते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सिलोक्सेन्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अबाउट पॉलीफॉस्फेजीन्स एंड द फॉस्फेजीन्स. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल. थैंक यू.